बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 8 2023 का एग्जाम पेपर, सब्जेक्टिव पेपर बीएसएन जेनेरिक का, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कितना बड़ा आंसर लिखें, कितने वर्ड्स पे होना चाहिए, हाउ मेनी वर्ड्स, और बेसिकली टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव है तो 1 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर है आपका, और उस 1 घंटे में अगर आपने मिसाल के तौर पे लिखा अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चंस, कोई 5 सवालों को आपने अटेम्प्ट करना है, यानी 7 सवाल हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और तमाम क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। तो सब्जेक्टिव में नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितना बड़ा आंसर हो, कितने वर्ड्स के ऊपर हो, कितने पेजेस के ऊपर हो। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो सब्जेक्टिव पेपर है मिसाल के तौर पे 5 या 4 क्वेश्चंस 1 घंटे में आपने अटेम्प्ट करना है, तो 15 मिनट्स में आपने जो है 12 to 15 मिनट्स 1 सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है। और वर्ड लिमिट उसकी होनी चाहिए बिटवीन 200 to 250 या फिर 150, 150, 200 और 250 वर्ड्स पे आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये गलती करते हैं सब्जेक्टिव पेपर में कि कुछ सवालात को कुछ ज्यादा डिटेल में लिख देते हैं, वो 6 6 पेजेस के ऊपर, 8 8 पेजेस के ऊपर आंसर लिखते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 200 एंड 250 वर्ड्स, एक से दो पेजेस के ऊपर आपका आंसर होना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने आंसर क्लियर कर दिया है। जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कितने पेजेस पे कितने वर्ड्स पे उनको आंसर लिखना है। तो पहला सवाल है, हाउ इज एब्स्ट्रैक्ट रिटन इन द रिसर्च पेपर। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा जाता है रिसर्च पेपर पे, या डिस्कस सम इसेंशियल काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की जो इसेंशियल काइंड्स है वो कितनी है, टाइप्स कितनी है। ये सवाल अमूमन आता है सेमेस्टर 6 BS इंजीनियरिंग में। डिस्कस सम मेरिट्स ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल कॉन्टेंट। पोस्टर प्रेजेंटेशन में उसकी अहमियत है, उसकी खूबियां हैं। मेरिट्स का मतलब होता है खूबियां एजुकेशनल कंटेंट में। व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं। सजेस्ट सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग की कुछ क्वालिटीज को आप सजेस्ट करें। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें आप। व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, ये पब्लिक स्पीकिंग का बार बार दो बार सवाल इसमें रिपीट हुआ है कि सजेस्ट गुड क्वालिटीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। बेसिकली ये 7 क्वेश्चंस हैं, इन तमाम 7 क्वेश्चंस पे मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन हम सब्जेक्टिव में इनके आपको एक आंसर्स में एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 150 200 वर्ड्स पे आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या तरीके का है। सो लेट्स गो अहेड। पहला सवाल है, हाउ इज एब्स्ट्रैक्ट रिटन इन द रिसर्च पेपर। तो मेरा जो लेक्चर है उसमें APA स्टाइल में जो है रिसर्च बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सबसे आखिर में लिखा जाता है, आता शुरू में ही स्टार्ट में आता है, और क्या क्या चीजें उसमें जरूरी है वो बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, मेन पॉइंट्स होते हैं उसमें, रेफरेंस नहीं होते उसमें, साइटेशंस नहीं होती, इंटेक्स साइटेशंस नहीं होती उसमें, बैकग्राउंड है, मेथड है, रिजल्ट है, कंक्लूजन, इन चीजों को ब्रीफली आप 150 to 250 वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, अगर आप इन वर्ड्स को काउंट करें तो ये आप इनको कह सकते हैं कि 150 to 200 वर्ड्स के ऊपर इसका आंसर नजर आ रहा होगा आपको। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, डिस्कस सम इसेंशियल काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ राइटिंग। अब इसेंशियल काइंड्स है या फिर टाइप्स हैं एब्स्ट्रैक्ट की, वो क्या है। तो हमें तो पता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक समरी है, फिर उसमें एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट है, हाईलाइट एब्स्ट्रैक्ट है। आप इसकी भी पिक्चर ले सकते हैं। हर चीज मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा, इसको हमने शॉर्ट करना है, एक आइडिया देना है कि हाउ टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है,
डिस्कस सम मेरिट्स ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल कंटेंट। पोस्टर प्रेजेंटेशन की क्या अहमियत है, इसके ऊपर भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। तो उसकी ऊपर डेफिनेशन आ गई, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, फिर विजुअल एड्स की हेडिंग है, इंगेज ऑडियंस है, इंक्रीज रिटेंशन, कॉस्ट इफेक्टिव कोलैबोरेशन और कंक्लूजन है एट द एंड। अगला सवाल है, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अ गुड प्रेजेंटेशन इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिवली कन्वेइंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू एन ऑडियंस। टू मेक अ प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल सेवरल की एलिमेंट्स आर नेसेसरी। वो की एलिमेंट्स फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड फाइनली, इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगला सवाल है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, 150 to 200 वर्ड्स के दरमियान है इसका आंसर। उसके बाद है अगला सवाल, जो नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये उसका एक आंसर है। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव आंसर को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, कितना टाइम देना चाहिए एक सवाल को। 1 घंटे का अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ये तमाम इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। थैंक यू।